दोस्तों आप सभी का स्वागत है फालतू पॉकेट गेमर में और आप देख रहे हैं डेविल मेक राय 5 का वॉक थ्रू। तो पंगा ये हुआ कि मैंने ये मिशन जो है कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैंने जब अपना ऑडियो चेक किया तो गेम का ऑडियो नहीं आया था, सिर्फ मेरी कमेंट्री चल रही थी, पता नहीं क्यों, बट कोई नहीं। तो फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वी किस तरीके से हम लोगों को ढूंढ निकालता है, फिर हम लोग डांटे से लेकर खेलते हैं जो शुरू का यूरिजन तक पहुँचने से पहले का हुआ है वहां तक। नीरो सिंह पटेल को यूजलेस बोल रहा है। तो यहाँ पर वो बताता है कि नीरो को भगाने के बाद क्या होता है उसके साथ। ये जो उसकी तलवार है रिबेलियन जो है टूट जाती है उसके पावर से। और त्रिश हेल्प करती है डेविल सॉर्ड स्पार्डा उसको देकर। डेविल सॉर्ड स्पार्डा जो है पता नहीं इसके पास कैसे आता है, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये सॉर्ड जो है काफ़ी पावरफुल है क्योंकि ये इसके पप्पा की डांटे के पप्पा की तलवार है। तो अब यूरिसन को उस सॉर्ड की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए वो लेडी और ट्रिश को अपने काबू में करके वो कर लेता। तो लेडी को हम लोगों ने बचाया था। तो ये सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई थी ऐसा सोच रहा है अभी डांटे जो है। यार मज़ा नहीं आता जब आपको सारी चीज़ें पता हो और कमेंट्री कर रहे हो तो। Enough's enough. Can't let a boy do a man's job. Hey, wait. I'm not done talking yet. वी की भी हालत खराब है क्योंकि उसका पावर जो है धीरे धीरे बहुत ही कमजोर होते जा रहा है वो। By the way, I guess I owe you one. देख रहा हूँ उसके उसका हाथ जो है ऐश में कन्वर्ट होते जा रहा है। वो वाला ऐश नहीं, ऐश रॉक। ओके तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई थी मेरी पिछले मिशन में, कस्टमाइजेशन मैंने थोड़ी बहुत की थी। और अगर आप देख रहे हो तो स्वॉर्ड्स में मेरे पास कैवेलियर भी आ गई थी जो कि बहुत सही चीज़ है, लेकिन कोई नहीं मिशन स्टार्ट करते हैं। कितना सही गया था यार मेरा ये मिशन, पता नहीं इस बार मैं पोक ना दूँ, लेकिन देखते हैं। डांटे लेकिन बहुत ही ओवर पावर्ड है एक्चुअली देखा जाए तो। नीरो और वी जो है उसके सामने कुछ नहीं है और डांटे ओवर पावर्ड है करके हम लोगों के पास हम लोगों को जो एनिमीज़ भी मिलते हैं ना वो बहुत ही ओवर पावर्ड होते हैं। ओके गुइजिन भाई, तो यहाँ पे खूना खून है पूरा। बालरोग अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट है। और मुझे ये भी मिल गया था कलीना एन। ले बेटा खा तो। अरे ट्रिक्स्टर में रखा हुआ क्या मैंने? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, नो भाई साहब, काम डाउन। ये जो है शील्ड ब्रेक करने के बहुत काम आता है और फिर उसके बाद आप ये मार दो तो फिर ओ नहीं क्या? तो मैं थोड़ा पावरफुल अटैक्स पे चेंज कर रहा हूँ ताकि इस तरीके से अपन कॉम्बो मार सके। ओ भाई ये क्या, ये लोग भी पावरफुल हो गए क्या? मैंने थोड़ा अपने आप को अपग्रेड किया तो। यस
कोई नहीं, ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें कह दी जाती है। ओके, ये वाला जो एपिसोड है ये थोड़ा सिंपल है एक्चुअली, देखा जाए तो ज़्यादा तामझाम नहीं है। इस गेम में कॉम्बोस का इतना ध्यान रखना पड़ता है ना, सीरियसली स्टाइल पॉइंट्स ही सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। अरे मैं इधर कैसे आ गया, मेरे ख्याल से साइड में कुछ था, एक सेकंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। साइड में जाने के लिए कुछ नहीं है, कहीं तो एक चीज़। ओके, ये वाले पार्ट का लेवल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि घर जो है एक तरीके से टूट फूट कर आपको आगे का एक्सेस देती है, तो वो बहुत सही लगा मुझे। कहानी घर घर की है ये पूरा। और एक सेकंड, यहाँ नहीं जा सकते। ओके, तो यहाँ पे पंगा सिंह पांडे होगा थोड़ा बहुत। बहुत ही पावरफुल है ये, देख रहे हो। और ऊपर से जो लॉन्चर मिली हमें कलीना एन के नाम से, वो तो और ज्यादा पावरफुल है। देख रहे हो अब मैं क्या सही सही कॉम्बोस मार पा रहा हूँ। ड्रैगन पंच ये मैंने खरीदा था, तो ट्रिपल एस जो है हम लोगों को ऐसे ही मिल जाता है। तो थोड़ी प्रैक्टिस लगती है कॉम्बोस को स्विच करने में, लेकिन अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, और स्पेशली जो स्वॉर्ड मास्टर है वो अल्टीमेट है देखा जाए तो। ओके, यहाँ पर नीचे के लिए कुछ दिया हुआ, यहाँ नीचे कुछ दिया रहता है। हाँ ये रहा, ऑब्स तो इतने मिलते हैं ना इस केस। पंच अगर आप मारते हो तो पंच जो है बहुत ही फास्ट होता है, और लात जो है पावरफुल होता है। तो बेसिकली जो है पावर और इसका ही कॉम्बो है इसमें। सॉरी, तो देख रहे हो किस तरीके से ये लेवल अप एंड डाउन होके हम लोगों के लिए रास्ता बनाता है। तो यहाँ नीचे की तरफ जाना है, लेकिन ऊपर शायद से मैंने ले लिया है सब। हाँ ये रहा, वही इस तरीके से आप कुत्तों की तरह मार सकते हो उसको। और एक चीज और भी है, टॉन्ट मारता है ये अगर मारना चाहते हो तो। तो जब भी आपके पास थोड़े बहुत स्टाइल पॉइंट्स हो जाते हैं तो टॉन्ट यूज कर सकते हो भड़काने के लिए एनिमीज को अपनी तरफ। रॉयल गार्ड भी मैंने थोड़ा यूज किया था, तो रॉयल गार्ड बहुत सही था। ऊपर की तरफ पहुंचना है हमें, और यहाँ पे डबल जंप भाई, डबल जंप, यस थैंक यू वेरी वेरी मच। और इसको भी थोड़ा घपा घपू कर देते हैं।
ओके तो सारी रास्ते जो हैं खुल गई है, यहाँ बस एक छोटा सा ऑब सा और फिर उसके बाद और रॉयल गार्ड में रखा हुआ है मैंने, शिट तभी कहूँ कि मार क्यों नहीं रहा हूँ, डैम इट, इनके लिए मुझे इसमें जाना पड़ेगा, देख रहे हो मेरे पास क्या क्या कॉम्बोस आ गए, अल्टीमेट हो गया अभी तो डांटे। तो इस तरीके से आप कॉम्बोस पे कॉम्बो मार सकते हो। ओ माय गॉड, अल्टीमेट वा बाल रोक बहुत ऑसम है, जितने बार भी बोलूँ ना कम है। यहाँ पे नहीं गया था, यस थोड़े बहुत ऑफ मिले, यहाँ पे मुझे कलीना एन मिला था जो लॉन्चर है हमारे पास। और मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ ही जाना था हमें, यहाँ नहीं इस साइड, हाँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता दिया हुआ है, ये रास्ता खुल चुका है और यहाँ पे ऑब्वियसली पंगा सिंह पांडे लोग आएंगे। ओ नहीं साले, अटैक कैसे किया तू, इतनी हिम्मत तेरी यार, ये मैं कॉम्बो रोक नहीं सकता एक बार चालू हो गया तो। हो गया तुम लोगों का, एक चीज़ अच्छा है इसका रिबेलियन का कि अगर वो लोग मारने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करता है वो पावर, तो वो अच्छी बात है। मैं भी कैवेलियर यूज़ नहीं करूँगा, जब मिलेगी मुझे तभी यूज़ करूँगा मैं, ये नया एनिमी जो है वो है क्या नाम था इसका मैं भूल गया, इसका रेंज काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत दूर तक ही अटैक कर सकता है और समन कर सकता है छोटे छोटे बच्चों को अपने, तो देख रहे हो चिल्लू पिल्लू लोग, आई थिंक हेल जुडेक्का जुडेक्का। ओ भाई इनके रेंज में क्यों आ जाता हूँ मैं, ये इजी है वैसे इसको अगर एक बार आप लॉक में फंसा लिए तो, लेकिन ये टेलीपोर्ट बहुत करता है, ये टेलीपोर्ट टेंद्र पांडे, ये ले बेटा तू ये खा, तू भी खा थोड़ा, फिर टेलीपोर्ट हो जाएगा ये, फिर भागा ये, अबे पढ़ क्यों नहीं रही, ओ माय गॉड ये पहली बार मारा मुझे, आ जा बेटा तेरे को पावरफुल अटैक से मारने पड़ेंगे, कहाँ है तू,
कहाँ हो तुम? ओके, ये भागता बहुत है भाई। कोई नहीं। आई थिंक डेविल पावर तो मैंने यूज नहीं किया है। अरे मैं चेंज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? हाँ चेंज हो गया। लाइफ मेरे पास, लाइफ पूरी नहीं थी मेरे पास। यहाँ पे पंगा होने वाला है, जबरदस्त वाला, जबरदस्ती वाला एक्चुअली, क्योंकि ये साले आते हैं। ओ भाई रेंज, इनको पहले निपटाना चाहिए वैसे मुझे, क्योंकि ये बहुत इरिटेटिंग है। ओके ओके ओके, ओ भाई कबड्डी कबड्डी शॉट भी नहीं पड़ रहा। हट तेरी को, हट चल। ये तो अल्टीमेट कॉम्बो है। बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहा हूँ मैं ऑफिस। हट चल, इनकी शील्ड्स अगर टूट जाए ना एक बार तो फिर पंगा सारा साफ हो जाता है। शायद इससे टूट जाएगा। ओ नहीं 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 भाई कॉम्बो रोक, फटेगा वो। गए सब, हो गया तुम्हारा कांड। बड़ा वाला आ गया नाइट, और शायद ये दो उड़ने वाले भी आएंगे। ओ माय गॉड, व्हाई यू डू दिस टू मी? ओह शिट, इनको पहले निपटाना पड़ेगा। इसको नहीं भाई, इसको नहीं, इसको पकड़ो, इनको पकड़ो। लगता है मुझे चेंज करना पड़ा। ओके तो इससे ही मारना पड़ेगा मुझे। बचिया, स्टाइल तो बिगाड़ दिया उसने साले नाइट ने, नाइट सिंह पांडे ने। ओ माय गॉड, ये शॉटगन भी मारते हैं लोग। ये गया, ओके आई थिंक अब यही बस बचा है तो इसके लिए। एक सिंगल करके आए ना तो मैं कॉम्बोस अच्छे मार सकता हूँ, जैसे ये अभी इसको आराम से निपटा सकते अपन। तो ये ब्लॉक किया अपन ने, और इसको थोड़ा ट्रिक्स्टर का मज़ा चखाएगा। ले बेटा एक्सप्लोजिव, ये होमिंग मिसाइल से ट्रिक्स्टर मोड का। ओह माय गॉड, यस,
आई थिंक मुझे ए रैंक मिला था जब मैंने खेला था इसको. और यहाँ पे दो चीजें थी. हाँ दो. बड़ा पंगा हो रहा है. एक इधर है, इधर भी है कुछ. कहाँ जाने का है? इस सर जाने का है लेकिन ओके. तो ओ बैन नहीं. और आई डोंट थिंक कि और कुछ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ. ये चिल्लू पिल्लू जो आ रहे हैं उनको मैं ध्यान भी नहीं दूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं इनको मार के. स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया है यहाँ पे हम लोगों को. चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड नहीं होना चाहता, तो इसलिए मैं कस्टमाइज़ नहीं करूँगा अपने आप को. थोड़ी हेल्थ चाहिए. थोड़ी क्या, पूरी हेल्थ चाहिए मुझे, क्योंकि शायद अभी बॉस फाइट है जहाँ तक. हाँ बॉस फाइट है, बहुत ज़बरदस्त बॉस फाइट है ये. सबसे पहले तो मुझे हेल्थ लेना पड़ेगा. यहाँ हमारी फाइट होगी कैवेलियर एंजेलो के साथ. हेल्थ दे दे भाई, मैं मरना नहीं चाहता कुत्ते की मात. वहाँ पे हेल्थ रखी हुई है, मैं उसके लिए जा रहा था. ये बाइक पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कैवेलियर एंजेलो. That costume looks a little big. I thought you had better taste than that. How about I take it in a little? पादा पादा क्यों बोल रहे थे? ओके भाइयो, तो इसमें ये होमिंग मिसाइल जो है बहुत काम की चीज़ है. पड़ी तो नहीं उसे बात अलग. ओ माय गॉड, बस तेरा हो गया भाई. बहुत ओके, स्वॉर्ड मास्टर लेना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि उसका गार्ड जो है ना बहुत जल्दी ब्रेक होता है, और फिर उसके बाद आप कॉम्बोज जड़ सकते हो उसको बहुत गंदे तरीके से. हट साले, जब ये मंत्र पढ़ते रहता है तो आप इस तरीके से मार सकते हो जिससे उसके. और इसको मारने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपका जो डेविल ट्रिगर है वो थोड़ा रिप्लेनिश होता है, फिर उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो अपना डेविल ट्रिगर कुत्ते की तरह मारने के लिए. और फिर उस तरीके से आप इसको कॉम्बो सिंह पांडे मार सकते हो. और फिर इसका फिर से एक बार गार्ड ब्रेक हुआ. भाग जाता है फिर ये. तो ये चार शॉट में मार रहा हूँ, ये मैंने खरीदा था. जब तक आप उसके एरिया पे नहीं आते ना तब तक अफेक्ट नहीं करता वो. जितना हो सके ना उसके आसपास ही रहो. और फिर उसके बाद ये कॉम्बो वॉम्बो सिंह पांडे करो. ट्रिगर मैंने हटा लेना था लेकिन कोई नहीं, ये जाने ही वाला है आसान. अबे अरे यार, मेरे को राइजिंग ड्रैगन नहीं मारने दिया. चल साले, तेरे को इससे ही फिनिश करना पड़ेगा. बंद करना पड़ेगा अपना ट्रिगर क्योंकि वेस्ट है.
और ये थोड़ी बिजली जल्दी रानी है करके थोड़ा मारता है उसको, तो मैं डेविल ट्रिगर से फिनिश करूँगा। तो अब ये उसका पार्ट जो है गिर के बाइक में लगता है और फिर वो बाइक ट्रांसफॉर्म हो जाती है वो वाले वेपन पे, तो ये सबसे बहुत ज़बरदस्त पार्ट है इस पूरे इसमें। और इसके अंदर ट्रिश रहती है, वो मेन चीज़ है। तो उसके सारे चिथड़े चिथड़े उड़ा के उसने बाइक में डाल दिया और ये बाइक कन्वर्ट होगी कैवेलियर वेपन पे और हम लोगों ने ट्रिश को भी बचा लिया। स्टाइल है भाई का, कुछ भी कहो। Whoa, looks like I took in a little too much. You okay? I've been better. Lens flare. Dante, that demon is. Don't even think about it. Just rest. Dante. ये आगे अभी साला बुड्ढा ही बताया उसका। Dante's left. Yes. And I don't think he can win. What was that demon, V? Where did it come from? Urizen is not a demon. I know that for a fact because I'm from the underworld. My god. What are you then? It doesn't matter. I'm a shadow of my former self who lost everything. I will tell you the story of my birth. Finally, ये story बताने वाला है, लेकिन मुझे हाँ मुझे पता था ये नहीं बताएगा इस part में. A rank star point. Oh, S rank मिला, क्या बात है. पिछले बार मैंने खेला था तो मुझे A rank मिला था, तो अच्छी बात है. Anyways guys, बहुत बहुत धन्यवाद ये पार्ट देखने के लिए. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया हो, और मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ये सारी प्यारी प्यारी चीज़ें करो ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिले और मैं आगे ऐसे वीडियोज़ डालते रहूँ. Anyways guys, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे. थैंक यू.